हम लोग हैं माहौल में, आजमगढ़ जिले में पड़ता है और यहाँ पर नगर निकाय चुनाव 11 तारीख को होगा। अभी आ रहे हैं बीजेपी के सांसद निरहुआ, जो दिनेश लाल यादव निरहुआ, कुछ कार्यकर्ता जुटे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या होंगे लोकल मुद्दे और कितनी जानकारी रखते हैं ये कार्यकर्ता। क्या नाम है आपका? विजय भान बिंद जी। तो यहाँ कब तक आ रहे हैं निरहुआ? बस कुछ पल में आने वाले। बताइए चुनाव होगा, यहाँ के मुद्दे क्या होंगे? यहाँ के हमारे योगी मोदी जी के नाम से। योगी मोदी के नाम से लोकल मुद्दे चुनाव होंगे? हाँ, सब उन्हीं का नाम से। अरे नहीं, ऐसा यहाँ के मुद्दे क्या होंगे? योगी और मोदी जो मुद्दे हैं वो तो राष्ट्रीय स्तर के हैं, और अभी यहाँ के माहौल के क्या मुद्दे हैं, उसके क्या चुनाव, उस पर क्या यहाँ विकास होगा? हाँ। और जो प्रत्याशी को बनाया गया बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, इनके लिए हम लोग पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। और वर्तमान में प्रधान भी हूँ ग्राम सभा नरवारी का। अच्छा, आप प्रधान? जी, मैं विजय भान बिंद हमारा नाम है। बताइए, प्रधान पे आरोप लगता है लगातार हम लोग की, ये जो आवास बन रहे हैं उस पर 20,000 रुपये ले रहे हैं, ऐसा आपने किया कि नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, कहने की तो होना भी नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। गरीबों को मदद किया जा रहा है, हमारी सरकार फुल एकदम मदद कर रही है, हम निषाद हैं। अच्छा। पूरे सबको सहयोग कर रही है, किसी प्रकार कोई दिक्कत सरकार नहीं से आप बहुत कुछ हद तक संतुष्ट? बहुत खुश हैं। हाँ। हमारे सरकार में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे आपको माहौल लग रहा है कि नगर निकाय चुनाव में ये जीतेगी? वास्तव जी जीत रहे हैं? हाँ जीत रहे हैं, कन्फर्म जीतेंगे। कितना दूर से आप आए? हम यहाँ से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर से आए हैं। 15 से 16 किलोमीटर दूर आए हैं सपोर्ट के लिए? सपोर्ट के लिए। अच्छा जी, और भी कुछ लोग इकट्ठा हैं एकत्रित? हाँ, आ जाइए आ जाइए। क्या नाम है आपका? संतोष पांडे जी। आप क्या करते हैं? अरे पूर्व जिला महामंत्री हूँ। और लोकल मुद्दे हैं माहौल के क्या होंगे चुनाव के लिए? अरे भाई, हम लोग का तो एक मजबूत मुद्दा यही है कि सबका साथ सबका विकास। जो भी चीज़ें पूर्ववत में वंचित रह चुकी हैं उसको आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी उसको पूरा करेंगे। हमारी सरकार की यही मंशा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास का मतलब ये है, जैसे कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो है मुख्य उद्देश्य क्या होंगे कि विकास किस तरह से हो हमारे नगर पालिका? नगर पालिका क्षेत्र का है तो कॉमन सी बात है कि सड़क, बिजली और नाली और पेयजल की व्यवस्था। हर बार तो यही मुद्दा होता है? नहीं, इस बार करके दिखाएंगे, इस बार करके दिखा। आप हमारे उम्मीदवार को जिताएं, अजय श्रीवास्तव जी के हाथों को मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं, निश्चित रूप से कोई शिकायत नहीं मिलेगी किसी को। डबल इंजन की सरकार थी, ट्रिपल इंजन मतलब? ट्रिपल इंजन मतलब आप केंद्र में है, प्रदेश में है, तो निकाय में भी, निकाय में भी हमारी सरकार चाहिए। तो एक सरकार को जो मजबूती देने का काम किया जाएगा वो टॉप टू बॉटम होगा। अगर केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं आ रही हैं, मैं चाहूंगा स्थानीय स्तर पर, निकाय स्तर पर और जमीनी स्तर पर लोगों के पास पहुंचे, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। एक यहाँ पे मुद्दा है, एक दिन मैंने कवर भी किया था, जो पवई रोड के सामने कुछ झुग्गी में लोग रहते हैं करीब 30-40 साल से जी, उनके लिए क्या करने वाले हैं, कुछ है ऐसा? नहीं, उनको अगर आवास की व्यवस्था में नहीं है तो उनके आवास की व्यवस्था की जाएगी, उनको आवासीय व्यवस्था की जाएगी, उनके आवासीय व्यवस्था की जाएगी जी जी। और भी कुछ लोग इकट्ठा बात कर लेते हैं उनसे, आइए जी, आ जाइए आ जाइए। कुछ महिलाएं भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विभा श्रीवास्तव जी। आप क्या करते हैं? आप अभी कार्यकर्ता हैं या फिर किसी पद पे? नहीं, हम कार्यकर्ता भी हैं और हम जेएनएम भी हैं। जेएनएम जी जी, तो अच्छी बात है। ये बताइए यहाँ के जो माहौल नगर निगम चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उसके लोकल मुद्दे क्या होंगे? लोकल मुद्दे सही आएंगे। सही मतलब क्या, क्या मुद्दे हैं? सही है कि हमारा प्रत्याशी निकलेगा। नहीं, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ जैसे माहौल नगर निगम की मैं बात कर रहा हूँ, अभी नगर निकाय की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ के लोकल मुद्दे क्या? लोकल मुद्दे पे वो कि यहाँ का विकास होना। जी, विकास रुका हुआ है, वो जीतेंगे। कैसा विकास रुका हुआ है मैम? हर चीज का विकास रुका है जी। जितने विकास हो रहे हैं सब बड़े बड़े लोगों की विकास हो रहे हैं, ये गरीबों के साथ। लोगों के विकास नहीं हो, गरीबों के विकास बेसिकली हो नहीं पा रहे हैं। नहीं, ये सर, ये अगर आ रहे हैं चुनाव में, सरकार जीत रही है, सरकार तो जीत रही है, सरकार हमारी जीतेगी जी, जीतेगी, कॉन्फिडेंस है एकदम जी जी जी। 100% अगर हम बताएंगे तो भगवान हो जाएंगे, लेकिन रही बात यह कि हम लोग तो पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमारी पार्टी कहीं से हारी, चांसेस बहुत प्रबल हैं जी जी जी। हर बार यही चुनाव में वादा होता है और बार बार यही वादा होता है, नेता अपने लिए ही कहीं ना कहीं जो है हरदम स्वर्णिम मौका ढूंढते हैं कि हम जो है माहौल का विकास करेंगे, हम नालियों की सफाई कराएंगे, और देखते हैं नालियों से बदबू आता है, और क्या वही प्रक्रिया फिर दोहराया जाएगा? तो हमारे, अब हमारे नेताजी को देखिए ना, कौन कहता है, अब ये आ रहे हैं ना
हाँ बैग छोड़िए, बैग कौन देखा है, बैग देखेंगे आपका गर्दन दर्द करेगा। आप आगे देखिए क्या होता है, आगे के लिए आपका क्या प्लान है, किन नीतियों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? गरीबों की मदद, गरीब मतलब शिक्षा को लेकर के क्या आपका विचार होगा, जो गरीब के बच्चे हैं पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारा प्रत्याशी पहले से ही शिक्षित है, शिक्षा का रोजगार पहले से ही कर चुका है, अब रही बात विकास की तो हमारा प्रत्याशी विकास भी करेगा। और कुछ कहना चाहेंगी अपने समर्थन में जनता से? नहीं, हम तो जनता से यही कहेंगे कि हमारे प्रत्याशी को निकालिए, जनता आपका समर्थन करे। जी पतली। और भी लोग हैं, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम सारिका सिंह है, कार्यकर्ता। हाँ बताइएगा कि किन मुद्दों पे इस बार आपकी जो है पार्टी उतर रही है नगर निकाय चुनाव में? बस हम ये लोग यही सोच रहे हैं कि हमारा सरकार निकल जाए। मतलब क्या मुद्दा क्या बनाया जा रहा है, मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पे हम वोट मांगेंगे? अरे जिन मुद्दों पे सभी वोट मांगते हैं कि कुछ अलग मुद्दा होगा इस बार? नहीं कुछ अलग नहीं है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और करेंगे अभी। हाँ आप कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? यही कहना चाहेंगे अगर सरकार आती है तो यहाँ के विकास होंगे और जागरूकता फैलेगी। आप लोग यहाँ पे पार्टी का प्रचार करने आए हैं कि निरहुआ जी को देखने के लिए आए हैं? नहीं प्रचार करने आए हैं, उनको भी देखने आए हैं, प्रचार भी करने आए हैं, उनको भी देखने आए हैं। हाँ कहीं ना कहीं भाई है कि वो भोजपुरी के बहुत बड़े कलाकार हैं, उनसे भी एक अलग तरह का लगाव होता है, प्रेम होता है, कहीं उस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए ही तो नहीं आई है? हम अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए अपने पार्टी के प्रचार कर रहे हैं। हाँ हम लोग हर जगह जाते हैं अपने पार्टी के, जहाँ हम लोग का मीटिंग होता है, रैली जाने करता है, जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि निरहुआ जी के आने से यहाँ से कुछ माहौल जो है तगड़ा बनेगा, जिससे जो है जन समर्थन तेज हो जाएगा? हाँ बनेगा उनके आने से। हाँ महिलाओं की सुरक्षा पे आप क्या कहना चाहती हैं, क्या सरकार उस पे क्या कर रही है? जब से बाबा आए हैं ना महिलाएं वैसे ही बता देती कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, दिन रात टहल रही हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं। अभी नीतू यादव वाला कांड हुआ था आलापुर थाना क्षेत्र में, वहाँ पे तो कोई भी कुछ नहीं हुआ, दरोगा तक नहीं कुछ किए, उस पे आप क्या कहेंगे? ना ही कोई बीजेपी या बसपा सपा कोई भी नेता नहीं गए, उस पे आपका क्या विचार है? जहाँ जागरूकता नहीं है वहाँ पे लोग फंसेंगे ही, अपनी सुरक्षा आप करिए ना सरकार। अभी बसखारी में, अभी बसखारी में दलित परिवार के माता पिता के मतलब एक माता थी, उनका एक पुत्र था, उनके ऊपर जो है जातिगत पिकअप जो है 5-6 बार जो है चलाया जाता है और रौदा जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि जब सपा सरकार थी, निर्भया कांड हुआ था, तब ये सरकार, तब कहाँ सपा सरकार थी, तब क्यों नहीं? वर्तमान में आपकी सरकार, हम आपसे सवाल पूछेंगे, सपा से नहीं। नहीं वर्तमान में हमारी सरकार है, महिलाओं ये बताइए 100 में कोई ले पाता है? वर्तमान में सरकार आपकी है, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि सपा पास जाए। ऐसा नहीं है, सुनिए हमारी बात सुनिए, ये कभी ना कभी सरकार में ऐसी एक घटना होती है, ऐसा नहीं है कि हर जगह वो 100% हो जाएंगे। 100% हो जाएंगे तो हमारे बाबा जी तो भगवान हो जाएंगे ना। बाबा जी तो भगवान माने ही जा रहे हैं ना, भगवान है, भगवान है, लेकिन 100% अगर 100% नहीं है ना। लेकिन ये जो जिस तरह का अंजाम दिया गया घटना को, आप इस पे क्या कहेंगे कि माता और उसके पुत्र को भरे समाज के सामने जो है जातिवाद के नाम पे पिकअप जो है चढ़ा के 5-6 बार रौदा जाता है, वो दलित परिवार है, वहाँ पे किसी भी पार्टी का नेता नहीं गया, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं गलत है कि नहीं है? नहीं नहीं गलत है। हाँ। और जाएंगे लोग, जाएंगे हो सकता है। आप कब तक जा रही हैं? तो हो सकता है अस्थायी मुद्दे पे आइए आप। हाँ आप दलित के मुद्दे पे मत आइए। ये आप रिपोर्ट देख रहे थे, आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है, क्या लगता है नगर चुनाव में क्या सरकार सफल होगी? कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।